नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनुपम मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की फैंटेसी इलेवन गाइड। जी हां, जो कल का पहला एलिमिनेटर खेला गया वहां पे चेन्नई सुपर किंग और गुजरात टाइटंस की टीम आमने सामने थी, जहां चेन्नई ने गुजरात को हराकर फाइनल की टिकट काट ली है। वहीं गुजरात टाइटंस अब आज के मुकाबले में, यानी दूसरे क्वालिफायर में, जहां पे मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आमने सामने होगी, इनके मुकाबले पे भी गुजरात टाइटंस की नजर होगी, क्योंकि जो टीम यहां जीत हासिल करेगी उसे तीसरा एलिमिनेटर खेलना पड़ेगा, जहां पे गुजरात टाइटंस उसका इंतजार कर रही है और जो टीम वहां पे मुकाबला जीतेगी वो चेन्नई के साथ आईपीएल 2023 का फाइनल खेलेगी। फिलहाल बात करते हैं आज मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंटेसी इलेवन की, कि आखिर कौन से वो खिलाड़ी होंगे जो आपको अपनी फैंटेसी इलेवन में रखने चाहिए और आपको आज वो फैंटेसी इलेवन में सबसे ज्यादा पॉइंट दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई इंडियंस से, जहां पे बल्लेबाजी देखें तो देखें रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, डेवाल्ट ब्रेविश, तिलक वर्मा, रमनदीप सिंह, क्रिस्टन स्टब्स और विष्णु विनोद मौजूद हैं। देखिए जहां पे मुकाबला हो रहा है चेपॉक में, अगर कल के मुकाबले से आकलन करें उस पिच की, तो पिच स्लो मानी जा रही है। बल्लेबाजों के लिए मदद जरूर है, लेकिन आपको वहां पे थोड़ा वक्त गुजारना पड़ेगा। वहीं स्पिनर्स की बात करें तो काफी हावी रहे हैं, तेज गेंदबाजों को शुरुआत में ही बस मदद मिलती है। तो बल्लेबाजी के लिहाज से देखा जाए तो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव आपके लिए बेहतरीन पिक हो सकते हैं, अगर आपको लगता है किस मैदान पर आपको राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाली टीम की जो समीकरण है उसको बिगाड़ सके, तो आप ईशान किशन को भी ले सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव मुझे लगता है दोनों बेहतरीन टच में दिखाई दे रहे हैं। रोहित शर्मा का बल्ला चला नहीं है, लेकिन अभी जो पिछला मुकाबला था, उसके पहले वाला मुकाबला था, वहां पे टच और फॉर्म दोनों दिखाई है। सूर्य कुमार यादव बिल्कुल हम सभी जान रहे हैं, शुरुआती सीजन अच्छा गया नहीं था इस आईपीएल का, लेकिन उसके बाद जिस फॉर्म में वापसी की है वो शानदार है। तो मुझे लगता है यहाँ पे ये तीन बल्लेबाजों में से आप रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ जा सकते हैं। तिलक वर्मा, देखिए ये बहुत बड़ा नाम है, इस पर बहुत बड़ी चर्चा भी की गई है, जिस हिसाब से इन्होंने एंकर रोल निभाया है मुंबई इंडियंस की टीम के लिए। इनके साथ साथ निहल वडेरा भी एक नाम है जो आप ऑलराउंडर सेक्शन में देख सकते हैं। इन दोनों में से जिसको मौका मिलेगा आप इनको रखना ना भूलें, क्योंकि जब जब इन युवा बल्लेबाजों को मौका मिला है इन्होंने डिलीवरी टीम के लिए करके दी और शानदार लय में दिखाई दिए हैं। दोनों बल्लेबाज बाएं हाथ के हैं, अच्छी फॉर्म बरकरार रखी है। मुझे लगता है तिलक वर्मा जैसे पिछले मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर आए थे, हो सकता है इस मुकाबले में इंपैक्ट प्लेयर आए, तो आप इनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप इनके साथ जाइएगा तो ईशान किशन को आपको अपनी टीम में से निकालना पड़ेगा। लेकिन रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के साथ आप छिड़कानी मत करेगा, बड़े खिलाड़ी हैं, T20 मुकाबले में कभी भी मैच पलट सकते हैं और खासतौर से चेपॉक के मैदान पर जहाँ अनुभव बहुत जरूरी हो जाता है, वहाँ पर इन दोनों खिलाड़ियों का टीम में होना बेहद जरूरी है। ऑलराउंडर्स की बात करें तो वहाँ पर देखिए मोहम्मद अरशद खान है, कैमरन ग्रीन, ऋतिक शौकीन, शम्स मुलानी, निहल वडेरा, अर्जुन तेंदुलकर, टिम डेविड। यहाँ से एक नाम कैमरन ग्रीन आपको बखूबी पता होगा, जिस हिसाब से उन्होंने आखिरी लीग मैच में अपने इन्होंने शतक लगाया था, उस फॉर्म को देखते आप इनको जरूर अपनी टीम में ले जाएगा, एक विकेट भी हासिल करी थी, तो कैमरन ग्रीन आपके लिए बेस्ट पिक हो सकते हैं। निहल वडेरा और तिलक वर्मा जिसको भी आज टीम में जगह मिलती है आप उनके साथ जरूर जाइएगा। अर्जुन तेंदुलकर मुझे लगता नहीं टीम में जगह मिलेगी, एक नाम टिम डेविड। देखिए पहले किरण पोलार्ड जो काम करते थे मुंबई इंडियंस के लिए, उनके रिटायरमेंट के बाद अब वो जिम्मेदारी टिम डेविड के कंधों पर है। तो टिम डेविड पिंच हिटर हैं, कभी भी आके मैच पलट सकते हैं, मुश्किल समय में टीम को उस परिस्थिति में ले जा सकते हैं जहां से टीम जीत हासिल करे, और इस अहम मुकाबले में ऐसे बल्लेबाजों का मुझे लगता है इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए पिच स्लो है और यहां पे हो सकता है समीकरण ऐसा बन जाए मैच का जहां पे टिम डेविड के पावर हिटिंग की जरूरत पड़ सकती है, तो वहां पे टिम डेविड आपके लिए बेहतरीन खिलाड़ी निकल के आ सकते हैं और आपको ज़्यादा पॉइंट्स दे सकते हैं। तो कैमरन ग्रीन और टिम डेविड आप यहां से जरूर ले जाए। गेंदबाजी की बात करें देखिए बड़ा नाम सबसे जो दिखाई दे रहा है जोफ्रा आर्चर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब मुंबई इंडियंस की टीम के साथ वहाँ पे मौजूद है नहीं। कुमार कार्तिक, जैसन मेरेंडॉफ, जाय रिचर्डसन, पीयूष चावला, डुआन जेनसन, आकाश मंडवाल और राघव गोयल। देखिए हम लगातार कह रहे हैं कि जो चेपॉक का मैदान वहाँ पे स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है, और पीयूष चावला जिस हिसाब से इस आईपीएल सीजन में उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है, ये नाम सबसे जरूरी हो जाता है आपकी फैंटेसी इलेवन में, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है, काफ़ी बेहतरीन टच में दिखाई दे रहे हैं, लगातार टीम को जहाँ पे जरूरत है विकेट की वहाँ पे निकाल के दे रहे हैं। तो पीयूष चावला जरूर अपनी टीम में रखिएगा, साथ के साथ आकाश मडवाल, स्लो पिचेस पे आकाश मडवाल की परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार रही है, 4 विकेट निकाले थे पिछले मुकाबले में, स्लो डिलीवरीज भी अच्छी डालते हैं, यॉर्कर्स बहुत शानदार डालते हैं, तो आप इनको अपनी टीम में रख सकते हैं। तो पीयूष चावला और आकाश मडवाल आपके लिए गेंदबाजी में भी बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। अगर आपको लगता है जैसन मेरेंडॉफ लगातार टीम के लिए मुकाबले खेल रहे हैं एबसेंस में बुमराह और आर्चर के, तो आप इनको भी अपनी टीम अपनी फैंटेसी इलेवन में जगह दे सकते हैं। तो ये रही मुंबई इंडियंस की टीम, जहां पे आप सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, क्रिस्टन स्टब्स नहीं, तिलक वर्मा और टिम डेविड और कैमरन ग्रीन के साथ जा सकते हैं। अगर आपको लगता है निहल वडेरा तिलक वर्मा की जगह बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में ले सकते हैं, साथ के साथ पीयूष चावला और आकाश मंडवाल आपके लिए गेजवादी में भी बेहतरीन विकल्प होंगे। अगर आपको लगता है जैसन मेरेंडॉफ, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। एक नाम ऋतिक शौकीन, देखिए पिच स्पिनर्स को काफ़ी मदद करती है, अगर मुंबई इंडियंस इनके ऊपर रिलाई करती और अगर इनको प्लेइंग 11 में हिस्सा देती है
और एज अ इम्पैक्ट प्लेयर इनको हटा के फिर तिलक वर्मा आ सकते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है वहाँ पे मुंबई इंडियंस ऋतिक शौकीन इन करे, अगर पहले गेंदबाजी आती है फिर तिलक वर्मा को इन करे एज अ इम्पैक्ट सर्व करके ऋतिक को बाहर निकालो और तिलक वर्मा को टीम में ले आए बल्लेबाजी करते वक्त। तो आप इसके ऊपर नज़र जरूर रखिएगा, और जब टीम अनाउंस हो जाए 7 बजे यानी टॉस से आधे टॉस के वक्त, तब आप इसमें चुनाव कर सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी आपको चुनना चाहिए। अभी जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये रही लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जहां अब टीम की कप्तानी की कमान कृणाल पांड्या के हाथ में है, क्योंकि देखिए बल्लेबाजी से शुरू करें तो आपको केएल राहुल नाम जरूर दिख रहा है, लेकिन अब ये सीजन से बाहर हो चुके हैं, अपनी थाई में इंजरी हो चुकी है इनके, इसलिए अब ये सीजन टीम का हिस्सा नहीं है, और कप्तानी का जो कारभार है वो कृणाल पांड्या संभालें। तो बल्लेबाजों शुरू करें तो देखिए यहाँ पे निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक और मनन वोहरा हैं। मुझे लगता है यहाँ से दो ना, जिस हिसाब से पिछले मुकाबले में लखनऊ के लिए निकोलस पूरन ने बल्लेबाजी की थी, शानदार बल्लेबाजी, शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, कंसिस्टेंसी थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन निकोलस पूरन जब इंपॉर्टेंट मैच होता है वहाँ पे टीम के लिए बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं और बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। तो निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक सबसे बेहतरीन पिक हो सकते हैं, क्विंटन डिकॉक एक्सपीरियंस है, स्लो मैदान है, खेलने का अनुभव जरूर है इनके पास, स्पिनर्स में थोड़ा फंसते हैं, लेकिन जब ये ओपनिंग करने आते हैं तो वहाँ पे स्पिनर्स का रोल मुझे लगता है थोड़ा कम होता है, फास्ट गेंदबाजों को ये ज़्यादा आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे पास निकोलस पूरन और क्विंटन डिकॉक को अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो देखिए यहाँ पे दीपक हुड्डा, मार्क एस्टोनियस, कृणाल पांड्या, कृष्णप्पा गौतम, आयुष बदौनी, काइल मेयर्स, करण शर्मा, रोमारियो शेफर्ड, डैनियल सम्स, प्रेरक मानकन, युधवीर चरक, नाम बहुत सारे हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन चुनाव आपको बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि दीपक हुड्डा लखनऊ की टीम लगातार बैक कर रही है, लगातार मौके दे रही है, लेकिन परफॉर्मेंस जीरो निकल के आ रही है। वहीं मार्कस स्टोइनिस शानदार लय में है, इस नाम को आप जरूर अपनी टीम में रख सकते हैं। कृणाल पांड्या देखिए कप्तान जरूर है, लेकिन क्या आपको अपनी फैंटेसी लीग में इन्हें कप्तान बनाना है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि परफॉर्मेंस कुछ खासा रही नहीं है। एक मैच में जब ये आए थे खेलने, इसके पहले वाले से पहले मैच में लखनऊ के, वहाँ पे कृणाल पांड्या ने 42 गेंदों में 49 रन की पारी खेली जरूर थी, लेकिन उस पर बहुत बातचीत थी कि क्या 42 गेंदों में 49 रन की पारी जस्टिफाइड है। इसलिए अगर आप कृणाल पांड्या को अपनी टीम में रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, गेंदबाजी भी कर रहे हैं, एक दो विकेट निकाल जाते हैं, लेकिन कभी कभी महंगे भी साबित हो जाते हैं, खासतौर से पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं, वहाँ पे स्पिनर्स को पावर प्ले में काफ़ी मार पड़ती है, क्योंकि सारे खिलाड़ी मैक्सिमम जो होते हैं आपके 30 यार्ड के सर्कल में ही रहते हैं, और बल्लेबाज के लिए वहाँ पे एडवांटेज होता है कि थोड़ा सा उठा के मारो और आपको बाउंड्रीज आसानी से मिल जाती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आयुष बदौनी की, इस खिलाड़ी को अपनी टीम में रखना मत भूलेगा, क्योंकि जिस तरफ निहल वडेरा और तिलक वर्मा जैसे मुंबई के लिए काम कर रहे हैं, वैसे ही आयुष बदौनी युवा बल्लेबाज हैं, मिडिल ऑर्डर में आते हैं और काफ़ी तगड़ी हिटिंग करते हैं, तो आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हैं। काइल मेयर्स देखिए पिछले मुकाबले में इन्हें ओपनिंग का मौका नहीं दिया गया था, प्रेरक मानकंद को टीम में जगह मिल रही है, तो अगर आपको लगता है कि प्रेरक मानकंद टीम में जगह बना पाएंगे आपकी, तो आप इनको रख सकते हैं, लेकिन रिलायबिलिटी आप इनकी जरूर चेक करिएगा, कितने आपके टीम में ये आपको पॉइंट्स दे के जा सकते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ आपके पास भी काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज हैं, जहाँ पे सूर्य कुमार यादव हैं, रोहित शर्मा हैं, तो आप उस हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन लगता है कि युवा बल्लेबाज आज चलेंगे, परफॉर्मेंस देंगे, तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। तो यहाँ से जो नाम है मुझे लगता है वो मार्कस स्टोइनिस और कृणाल पांड्या और आयुष बदौनी, आप इनके साथ जा सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो देखिए रवि बिश्नोई काफ़ी शानदार फॉर्म में है, आवेश खान है, मार्क वुड, मोहसिन खान, मयंक यादव, जयदेवनाथकट, यश ठाकुर, अमित मिश्रा, स्वप्निल सिंह और नवीन उल हक, जिस हिसाब से चिपॉक का मैदान है वहाँ पे अमित मिश्रा और नवीन उल हक, रवि बिश्नोई, ये तीन नाम आपकी टीम में जरूर होने चाहिए। रवि बिश्नोई शानदार फॉर्म में चल रहे हैं, अमित मिश्रा जैसे पीयूष आवला दूसरी टीम में, वहाँ पे इनका एक्सपीरियंस काम आएगा अमित मिश्रा का, वहीं नवीन उल हक स्लो डिलीवरीज काफ़ी शानदार डालते हैं, डेथ ओवर में गेंदबाजी भी करते हैं, और जहाँ पे पिच थोड़ी स्लो हो गेंदबाजों को मदद कर रही हो, क्योंकि देखिए मैदान काफ़ी थका हुआ है, अगर आप चिपॉक का देखें तो 8 मैचेस खेले जा चुके हैं अभी तक इस सीज़न आईपीएल के, तो जो पिच है वो गेंदबाजों को कहीं ना कहीं थोड़ी मदद करेगी क्योंकि स्लो हो चुकी है, तो वहाँ पे नवीन उल हक अपनी स्लो डिलीवरी से काफ़ी कारगर साबित हो सकते हैं। पिछला मुकाबला अच्छा नहीं गया था, काफ़ी मार पड़ी थी, लेकिन इस मुकाबले में वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जिस हिसाब से यश ठाकुर को लगातार लखनऊ की टीम एज ए इम्पैक्ट प्लेयर ला रही है, वो भी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल के दे सकते हैं, तो अगर आपको लगता है यश ठाकुर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे रेदर देन नवीन उल हक, तो आप इनके साथ भी टीम में जा सकते हैं। मोहसिन खान को भी टीम में जगह मिल रही है, तो अगर आप मोहसिन खान, नवीन उल हक और यश ठाकुर इन तीनों में कन्फ्यूज हैं, तो मुझे लगता है कि नवीन उल हक आपको यहाँ पे ज़्यादा पॉइंट्स दे के जाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नवीन उल हक ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल सकते आज के मुकाबले में, तो आप यश ठाकुर या मोहसिन खान के साथ जा सकते हैं, और रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा में से किसी एक के साथ जाइए, और जो दूसरा गेंदबाज है आप उसको फास्ट गेंदबाज रख सकते हैं, चाहे मोहसिन खान चाहे यश ठाकुर। तो ये पूरा समीकरण है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है क्योंकि मैदान उस हिसाब का है, यहाँ पे आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि किसका दिन होगा, लेकिन जिस हिसाब से परफॉर्मेंस अभी तक निकल के आई है वो सारे ये खिलाड़ी रहे हैं। तो यहाँ से बल्लेबाज निकोलस पूरन, क्विंटन डिकॉक, मार्कस स्टोइनिस, कृणाल पांड्या, आयुष बदौनी, साथ के साथ रवि बिश्नोई, नवीन उल हक, अमित मिश्रा और मोहसिन खान, यश ठाकुर में से किसी एक को आप ले सकते हैं। एक नाम और है कृष्णप्पा गौतम, अगर आप देखिए इनको टीम में जगह मिलती है क्योंकि स्पिनर्स का मैदान है, अगर इनको मिलती है
तो आप इनके साथ भी जा सकते हैं। फिर आपको रवि बिश्नोई और अमित मिश्रा में से किसी एक को आप देखेंगे कि लखनऊ की टीम बाहर बैठाएगी, तो उस हिसाब से अपना चुनाव करिएगा। 7 बजे टीम आ जाएगी मुकाबले से आधे घंटे पहले, उसके बाद आप अपनी फैंटेसी 11 में थोड़े बहुत जो चेंजेस हैं वो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो यदि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, इसके पहले आपने देखी थी मुंबई इंडियंस की टीम, अगर आप भी फैंटेसी 11 में अपनी टीम बना रहे हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपकी टीम क्या है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, इस पर कॉमेंट करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल, अगर आप भी फैंटेसी 11 में अपनी टीम बना रहे हैं तो आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपकी फैंटेसी 11 में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको आपसे उम्मीदें हैं। अगर आप भी फैंटेसी 11 में अपनी टीम बना रहे हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और आपको लगता है कि फैंटेसी 11 में ये ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स दे के जाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो पर लाइक करें, कॉमेंट करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एवीपी लाइव को सब्सक्राइब करें।